लखनऊ में उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा ने आज दिल्ली में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि कांग्रेसी नेतृत्व ये जान ले कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए प्रयोग किए गए अपशब्दों का जवाब देश की जनता ने हाल के विधानसभा चुनाव परिणामों के माध्यम से दे दिया है तथा वह आगे भी इसी प्रकार देती रहेगी। 3 राज्यों में मिली जीत का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी की जनकल्याणकारी नीतियों को देते हुए उन्होंने कहा कि आज राजस्थान और छत्तीसगढ़ की जनता को कांग्रेस के कुशासन और भ्रष्टाचार से मुक्ति मिल गई है। उनका कहना था कि मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में भाजपा सरकार में हुए शानदार कार्यों ने पार्टी की बंपर जीत का आधार तैयार किया। वो कहते थे कि वो किसी ने उनसे कहा कि भारत खुशहाल कब होगा है, तो उन्होंने कहा कि भारत खुशहाल तब होगा जब इस देश का गरीब जब रात को सोए तो चिंता में नहीं चैन की नींद ले, चिंता की नींद नहीं चैन की नींद ले, तब भारत खुशहाल होगा है। इसका अर्थ क्या हुआ? चिंता की नींद, गरीब चिंता क्या, पानी कहां से आएगा? मोदी ने कहा जो हर घर नल हो जाएगा। गरीब की चिंता क्या, अरे हमारी महिलाएं शौचालय के लिए सड़क पर जाएगी, उनके सम्मान का क्या होगा, उनका हर घर शौचालय हो जाएगा। गरीब की चिंता क्या, हमारा बच्चा पढ़ेगा कैसे, मुफ्त की शिक्षा, भोजन भी, उसको स्वेटर भी, उसको जूता भी, उसको बैग भी, उसको पुस्तकालय भी, उसको किताब भी, सब कुछ मिलेगा। गरीब की चिंता क्या है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।